नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। हमारे इस खास कार्यक्रम ऑटो रिपोर्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एमसीडी इलेक्शन सर पर है और ऐसे में रोजाना हम अपनी इस खास ऑटो में एक ऐसे राजनेता को बिठाते हैं जिन्हें उन्हीं के इलाके ले जाकर जनता से उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाए। तो आज चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इस खास कार्यक्रम में आज के हमारे गेस्ट कौन हैं, कौन से वो नेता हैं जो जनता के सवालों के जवाब देंगे और जिनके इलाके में हम उनको खुद इस ऑटो में बिठाकर ले जाएंगे। पहुंचा है दिल्ली के पड़पड़गंज इलाके में और आज हमारी मुलाकात जिस खास मेहमान से होगी वो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट यानी कि इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चौधरी अनिल कुमार, तो आइए मुलाकात करते हैं और सीधे अनिल जी से जनता का जो रिपोर्ट कार्ड है वो मांगेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑटो रिपोर्टर। नमस्कार, आज के लिए आप तैयार हैं पूरी तरह? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी ऑटो भी तैयार है, चलते हैं और आप ही के इलाके में जरा घूमेंगे और देखते हैं कि जनता जो रिपोर्ट कार्ड मांग रही है उसमें आप लोग कितने सफल है। आइए अनिल जी। तो देखिए, ऑटो रिपोर्टर की शुरुआत हो चुकी है, अनिल जी इस वक्त हमारे साथ है। पहला और सीधा सवाल, एमसीडी चुनावों में कांग्रेस को कहाँ खड़ा पाते हैं आप? दिल्ली में मेयर कांग्रेस का होगा और ये केवल मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने पिछले 3 साल जो सड़कों पे देखा है, जो संघर्ष मैंने देखा है, जो दिल्ली को भुगतते हुए देखा है और उसमें जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो भूमिका अदा की है, जो दिल्ली का साथ दिया है, जो दिल्ली के आगे मदद का हाथ बढ़ाया सेवा भाव के साथ, उस नाते बोल रहा हूँ। चाहे कोरोना काल हो, दिल्ली के दंगे हों, या जो शीला जी की दिल्ली होती थी, जिस दिल्ली को इन्होंने धीरे धीरे भाजपा ने और आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे इसको तबाह कर दिया, उन तमाम बातों को जब सामने रख के बात करता हूँ तो लोगों का जो रुझान, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उस नाते बोल रहा हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार एमसीडी में बनेगी और कांग्रेस का मेयर होगा। अच्छा, ये तो आप दावा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वादे आप लोगों ने पूरे नहीं किए। इसीलिए तो पिछले चुनावों में हमने देखा है कि जहाँ एक तरफ आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी, उनकी बढ़ोतरी हुई है, आप लोगों की संख्या तो घटते ही जा रही है। नहीं, हमारे कौन से वादे, हम तो 2013 से दिल्ली में है ही नहीं। वायदे तो अरविंद के हैं, वायदे तो भाजपा के हैं और चूंकि एमसीडी का चुनाव है तो 15 साल से एमसीडी में भाजपा की सरकार है और आज जो मोदी जी के पोस्टर लग रहे हैं, मोदी जी के नाम पे गली गली में पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि 15 सालों में तो मेयर बीजेपी के थे तो उनको बताना चाहिए क्या उपलब्धि है। एमसीडी का एक नया नाम इन्होंने दे दिया, क्या मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली ने बीमारियों को भुगता है। यदि एमसीडी को मैं यूँ व्याख्या करूँ, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसी बीमारियां इस शहर में आ गई तो किसकी देन है? हाउस टैक्स प्रणाली पे कोई काम नहीं हुआ, जो कांग्रेस लेकर के आई थी आज वही यूनिट एरिया प्रणाली आज भी चल रही है, ये दिखाता है फेलियर है। आज यहाँ लेंटर माफिया, यहाँ टेंडर माफिया, यहाँ पार्किंग माफिया, ये रूल करता है और इनके जो लीडर हैं, इनके लेंटरमैन भाजपा के पार्षद हैं। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ जो जवाबदेही की आपने बात की है, अरविंद ने कहा था 2013 में, 15 में भी कहा कि शहर को विश्व का सबसे सुंदर शहर बनाऊंगा, नंबर वन बनाऊंगा, लंदन, पेरिस और कई सिंगापुर बनाऊंगा, आपके चैनल ने भी दिखाया है। तो सवाल ये उठता है, आपने क्या शहर बना दिया? क्या ये वो शहर है जो शीला जी का शहर था? वैसे सड़कों का हाल देख सकते हैं, जगह जगह कूड़ा नजर आ रहा है, मतलब इस गली से पास होना बड़ा मुश्किल। बिल्कुल, ये एक गाँव, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, मेरा गाँव है दल्लोपा और नोएडा बॉर्डर का आखिरी गाँव है, आप स्वयं भी देख रहे हैं। पर सवाल वही है कि जो कहा था अरविंद ने, हुआ क्या इसके विपरीत? आज दिल्ली पॉल्यूशन में नंबर वन जानी जा रही है, विश्व के अंदर लगातार ये शहर प्रदूषित शहरों के पायदान 1 और 2 पे बना हुआ है। आज कोई पर्यटक यहाँ निकले तैयार नहीं होता है, कोविड फेलियर आपने देखा। और तो और जो सबसे बड़ा एक कलंक इस दिल्ली पर है, ये दिल्ली देश की सड़कों का हाल देख लीजिए, ऑटो में ऑटो आपका ये बता रहा है किस तरह के जर्क यहाँ लग रहे हैं और ये किसकी स्पीड भी आप मेरे ख्याल से 10 या 15 पे चल रही होगी। तो ये जो दिल्ली है ये किसकी देन है? आज रेप कैपिटल के नाम से दिल्ली जानी जा रही है। 3 केस रजिस्टर औसतन डेली रजिस्टर्ड हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं आप? इस यमुना को आपने कहा था प्रदूषण रहित बनाएंगे, 1.5 करोड़ लोगों को आस्था की डुबकी लगवाने की बात कही थी। इस पर्व में मैंने देखा, छठ के पर्व पर मैंने देखा कि वो
डुबकी तो छोड़िए, बैन लगा देते हैं और बहाना बनाते हैं कि एनजीटी ने बैन किया है। सच्चाई है एनजीटी ने इन पे 900 करोड़ का फाइन लगाया और कोई बैन नहीं था, बैन था मूर्ति विसर्जन का। यूपी वाले तट पर जो है सरिता विहार जो तट है यमुना का, वहाँ यमुना बॉर्डर पे तो छट मन रही है, गंदे पानी में ही सही डुबकी लग रही है। लेकिन अरविंद ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी इन विफलताओं को छुपाने के लिए वहाँ पर बैन लगा दिया, डीएम खड़े कर दिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दे दिए। दूसरी तरफ अरविंद ने इस शहर को जो पहचान दी है, भ्रष्टाचार का मसला हो, पॉल्यूशन का मसला हो, देखिए पॉल्यूशन केवल कोई ये हवा और पानी और ये ध्वनि नहीं है, प्रदूषण राजनीति का भी है। जो आज इनके MLA मुख्यमंत्री के जो मंत्रिमंडल के लोग हैं, लगभग 80% लोग या तो जेल जा चुके हैं या जेल की हवा खा चुके हैं, अभी भी जेल में कुछ जाने की तैयारी में है। आपके इलाके में जरा उतरते भी हैं, लोगों से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि क्या है जनता ही रिपोर्ट कार्ड देगी कि यहाँ काम हुआ है या नहीं। और लगातार हम देख रहे हैं कि अनिल जी आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर, लेकिन जनता से भी पूछेंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे कि क्या वाकई यहाँ काम हो रहा है। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आपके इलाके में काम हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ। क्या काम नहीं हुआ है? सफाई का काम नहीं हो रहा और विज्ञापन होते हैं बस, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लाओ और जिताओ उसे। चलिए, तो इन्होंने कह दिया कि ये तो कांग्रेस को देखना चाहते हैं, हालांकि कांग्रेस की तैयारी कितनी है? देखिए सवाल ही नहीं कांग्रेस को देखना चाहते हैं, सवाल ये है कि ये शहर को जो वादा किया था विश्व का सुंदर शहर बनाएंगे, नंबर वन शहर बनाएंगे, तो क्या शहर को पहचान मिली? इसलिए दिल्ली की हवा हो, शहर की अगर हम बात करें, जो शहर धरोहर के लिए जाना जाता था वो कूड़े के लिए जाना जाता है। बिल्कुल, और जो कोर्ट ने टिप्पणी की है इस शहर के लिए, जो नाम जो अरविंद दावे कर रहे हैं, इस शहर की टिप्पणी की है कि ये दिल्ली के हर कोने पे बड़े बड़े कुतुब मीनार खड़े हो गए, कूड़े के कुतुब मीनार, ये अरविंद ने दिया है, ये भाजपा ने दिया है। तो इन दोनों के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। शीला जी का चेहरा हमें प्रेरित करता है इस दिल्ली को बनाने के लिए, इस दिल्ली को बचाने के लिए, एक पहचान देने की, उस पहचान को वापसी लाने के लिए मैं उस पर काम कर रहा हूँ और कांग्रेस के पास से जीतेंगे उस पर काम करेंगे। इसीलिए हाउस टैक्स में हमने कहा है कि पिछला माफ, अगला हाफ और गांव पूर्णतः माफ, यानी कि गांव को टैक्स के दायरे से बाहर रखा, ये हमने कहा है। और इसलिए मुझे दावा है, ये विश्वास है कि मैंने जो करोड़ में क्या हुआ, क्या हुआ, बहुत लोग खिलाए, बांटे राशन अच्छे से सभी को, पूरे गांव को। लोगों को राशन मिला? हाँ मिले। किसने दिए राशन? भैया जी। वोट कहाँ जा रहा है आपका? वोट यहीं में जाएंगे। आपके इलाके में काम हुआ है? सड़क बनी है, नालियाँ साफ हुई? वो सब तो नहीं बना, बनेंगे, बनने के लिए। क्या करते हैं मैं बताता हूँ, ये भैया ये मोची की दुकान लगाते हैं, ये गांव के अभिन्न अंग हैं। ये दास्ता बता रहे कोरोना काल में, ये वो लोग थे जब लॉकडाउन लग गया, अरविंद ने इनका ध्यान नहीं रखा, जो सुबह कुआं खोदते शाम को पानी पीते हैं, मोची है, दिहाड़ी मजदूर है, प्रेस वाला है या घर में काम करने वाली आया है या खामसाना है, ये वो लोग थे जिनके बारे में सोचना चाहिए था। उस समय हमने सोचा, हमने कहा आओ मदद का हाथ बढ़ाएं। नेताजी जब वोट मांगने की बारी होती तभी आते हैं या हमेशा दिखाई देते हैं? हमेशा दिखाई देते हैं, नजर आते रहते हैं। हाँ आते जाते हैं। आपने पहचान लिया? नहीं रहा, शुरू से मैं आज से नहीं हूँ, बहुत दिन से। चलिए, इन्होंने तो आपको पूरे नंबर दे दिए, जरा और लोगों से बातचीत करेंगे। और देखिए अब MCD चुनाव बहुत सर पर है, बहुत नज़दीक है, इसलिए प्रचार प्रसार भी चल रहा है और कीमती वक्त में से आपने हमें थोड़ा समय दिया है। लेकिन देखिए सबसे बड़ा सवाल, MCD चुनाव आए और आते ही वीडियो शुरू हो गया, आपने वीडियो देखा होगा सत्येंद्र जैन का, क्या कहना आपका? देखिए ये कोई नई बात नहीं है, मैं लगातार पिछले 3 साल से तो मैं बोल रहा हूँ, 7 साल से मेरी पार्टी बोल रही है, पूर्व नेता बोल रहे हैं कि अरविंद की मंत्रिमंडल के लोग हों या उनके MLAs हों, तमाम लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक ही उनको एजेंडा दिया गया कि पैसे कमाओ, लूटो इस दिल्ली को। और ये जो उदाहरण है, जो वीडियोज आ रहे हैं, तो ये पुरानी जो बात है उसको प्रमाणित करती है। पर सवाल ये उठता है कि अरविंद अभी भी इनको भारत रत्न देने की बात करते हैं, कभी इनको भगत सिंह बताते हैं, इस शहर को नशे की राजधानी बना दिया, उस व्यक्ति के लिए कहते हैं कि इन्हें भारत रत्न दे दीजिए। सत्येंद्र जैन जो हवाला व्यापारी है, जेल में बैठ करके मसाज का आनंद ले रहा है, उसको कहते हैं कि भारत रत्न दे दीजिए, तो क्या क्या परिभाषा दे रहे हैं? मैं कह रही हूँ अब जनता से भी बात करेंगे। देखिए वीडियो को तो वो कह रहे हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट थे, हालांकि निकले क्या है ये सामने आया है, ये आरोप तो बात सिद्ध हो गई जिस आरोप में। आपके इलाके में काम हुआ है? क्या काम हो रहा है? मैं यहाँ रहता नहीं। आप यहाँ के नहीं, आप यहाँ के हैं, क्या काम हुआ है आपके? MCD में काम हुआ है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्या काम हुआ है? जो पार्कों को जो होते हैं नाली सफाई के, कहाँ आपकी नालियाँ साफ है, कहाँ सड़कें बनी है? अभी तो आचार संहिता है तो कहाँ से होगा। पहले जब MCD में, MCD ने कभी काम नहीं किया यहाँ? काम थोड़ा बहुत तो होता ही है। आप लोगों के इलाके में काम हुआ है? हो रहा है ना। अच्छा, जनता नेताजी से क्या चाहती है?
नेताजी को दोबारा वापस आना चाहिए, हम तो यही चाह रहे हैं, फिर से कांग्रेस को वापस आना चाहिए। दिल्ली पे हाल है कांग्रेस बिना। आप लोगों के इलाके में सबसे ज्यादा समस्या किस चीज? पानी के सीवरेज की समस्या रहती जी। मैं आपको गली दिखाता हूँ, गली गली में जाके देखिए कूड़े के पहाड़ हो रहे हैं। वो कूड़े के पहाड़ तो हैं ही, उन्हें गाजीपुर लैंडफिल को छोड़ ही दीजिए, आप गांव में जाके देखिए। और इन्होंने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने का दिल्ली सरकार ने काम किया, और कुछ नहीं, इनके मंत्री मसाज कराते हैं, मौज से रहते हैं और कुछ नहीं करते। जनता अवेयर है, देखिए जनता को सब कुछ पता होता है और जनता ही तय करती है कि आखिर क्या होगा। आम लोगों से लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आपके इलाके में काम हुआ है? काम तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, काम तो कुछ ना कुछ हुआ है। क्या काम हुआ है भाई? रोड तो स्कूल वस्कूल का कुछ काम हुआ है, ऐसे काम तो नहीं चलेगा ना। बहुत सारी महंगाई इस कदर बढ़ रही है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। आपके इलाके में काम हुआ है कुछ? काम है। क्या काम है? काम तो बहुत सारा हुआ, जैसे नाली वाली कूड़े वूडे की हर चीज की सफाई सुथराई है, काम तो काफी हुआ है, काम आगे भी होगा। आम जनता को तो काम ही चाहिए। क्या और क्या चाहते हैं आप लोग? बस काम क्या, जनता को सिर्फ काम क्या, वही सफाई सुथरा ही चाहिए आम जनता, और किसी को कुछ नहीं, काम ये आसपास ही सफाई सुथरा है बस। ये देखिए सफाई चाहते हैं, और दिल्ली के जो इस बार एमसीडी के इलेक्शंस है, ऐसा लग रहा है कि कूड़े पर ही ये पूरा का पूरा इलेक्शन है। यहाँ साफ सफाई होती है? हाँ जी, कभी कभी। सड़कें बन गई हैं? सड़कें मुझे लगता है कि पहले जो पार्षद चुनाव हुए थे उनसे पहले बनी हुई है। ये अभी जब एमसीडी के इलेक्शन हुए उसके बाद कुछ भी काम नहीं किया गया बीजेपी की ओर से? काम तो देखो छोटे मोटे हुए, ऐसा कोई बड़ा हुआ नहीं जिसके हम उल्लेख ना कर सकें। बहाने थे सबके पास और आगे भी बहाने ही रहेंगे। प्रदूषण सबसे ज्यादा यहाँ पर समस्या है, बड़ी समस्या है। प्रदूषण तो मैडम दिल्ली में हर जगह है ही। कचरा कूड़ा यहाँ पर? कूड़ा तो नहीं है, सड़कें बनी हुई हैं, सड़कें बनी हुई पूरी सफाई। अगर आपको मांगने का मौका मिले, नेताजी से डिमांड करने का मौका मिले कि हमारे इलाके में ये काम कराइए, तो कौन सा काम होगा? भाई नाला खुलवा दीजिए, मैन वाला नाला ये खुलवा दीजिए, और वैसे सब सफाई, आपकी समस्या हल हो जाए। चलिए, तो हमारे माध्यम से आपके इलाके के नेताजी देख रहे होंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गंदगी भी है, कूड़ा भी है, सड़कें भी ठीक ठाक नहीं बनी है। चुनाव आता है तभी नेताजी दिखाई देते हैं, वैसे आते रहते हैं यहाँ? कुछ सत्य बात है ये, इसमें कोई दोहराय नहीं है, आप भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, पर जब चुनाव आते हैं जब ही दिखाई देते हैं। तो वादे तो बहुत सारे कर जाते हैं, लेकिन वादे पूरे हुए? पूरे कुछ कुछ पूरे होते हैं और कुछ कुछ नहीं होते। कौन से पूरे हुए, कौन से नहीं हुए? अभी तक देख रहा हूँ कि आप देख रहे हो, नाली के कोई साफ ही नहीं है, समझ रहे हो? बाकी सबसे ज़्यादा इस गली में जहाँ हम खड़े हैं, नाली की समस्या सबसे ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ नाक पर रुमाल लेकर हैं, यहाँ खड़ा रहना मुश्किल है। हाँ वो तो रहता ही है, यहाँ पे तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप नज़र आ रही है, आपको भी अभी आप आए हो सारे में, अंदर से भी आए हो, वो तो है पूरे में है। नेताजी तो बस वादे करते हैं और चले जाते हैं? नहीं, नेताजी तो यहाँ रहते हैं, कोविड में भी पूरे टाइम नेताजी ने यहाँ रहे हैं वो। यहाँ साफ सफाई आपको नज़र आती है? मैं तो बच्चे को लेना आई हूँ सामने। लेकिन आपको सड़क पे सफाई दिखी? हाँ, साफ है सड़क, इनको सफाई दिख रही है। चाचा आपको सफाई दिखती है सड़क पे? हाँ सफाई दिखती है बहनी हमको, बढ़िया अच्छा, हाँ काम हो रहा है, बढ़िया अच्छा खासा हो रहा काम, फर्स्ट क्लास हो रहा। पसंद कौन है आपको? अरे पसंद तो कांग्रेस थी, बढ़िया। हाँ तो अब पसंद बदल गया? अब सही है, वही माहौल चल रहा है, जो बढ़िया चल रहा है, जो हो रहा है वो ठीक है। अच्छा आप लोगों की क्या मांग है, नेताजी अगर हमारे साथ हो आप क्या मांगेंगे, उनको क्या कहेंगे, क्या बदले? अरे वो बने तो अच्छी बात है, अच्छी बात है बने तो, बहुत अच्छी बात है बने तो, ठीक है। देखिए तो ये खुश है, मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन दो चार और लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यही कि एमसीडी में 15 सालों से बीजेपी काबिज है, लेकिन क्या काम हुआ है? क्योंकि अलग अलग इलाकों में हम लोगों से मिलजुल रहे हैं, आम आदमी पार्टी विधानसभा में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आम आदमी की पार्टी जब से आई है, हमारे नियर बाई इतने दारू के ठेके खुल गए हैं, नियर बाई इतना ज़्यादा मतलब लोग ड्रिंक कर करके इतना वो करते हैं, दाएं बाएं पूरा कोई एमसीडी का भी कोई वर्क नहीं हुआ है, इतना डस्ट है, इतना डो का बाग वगैरह का, इतना लोग पॉल्यूशन में इतना ज़्यादा परेशान है। एमसीडी काम कर रही है? नहीं, एमसीडी का कोई काम नहीं हमारे यहाँ के, जो वो आते भी नहीं देखने के लिए क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी बताइए एमसीडी ने क्या काम किया? देखिए एमसीडी ने यहाँ पे क्या पूरी दिल्ली के अंदर ही काम नहीं किया, लोगों ने केजरीवाल को वोट ये सोच कर दिया था कि हमें राशन मिलेगा, लेकिन वो राशन की जगह है ना दारू बांटने में लग गए। दिल्ली को विकास चाहिए था लेकिन केजरीवाल जी ने विनाश कर दिया। देखिए आम जनता है, और अब जरा चलते हैं नेताजी के साथ और आगे देखते हैं क्या कुछ। तो देखिए लगातार इनके इलाके में हम घूम रहे हैं और जनता से बातचीत कर रहे हैं,
कोरोना काल में तो आप लोगों ने काम किया, जनता भी गिनवा रही है, लेकिन एमसीडी ने कोई काम नहीं किया ऐसा जनता यहाँ कह रही है। बिल्कुल स्वाभाविक है, 15 साल से बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है, और यदि काम किया होता तो ना तो इनको 2017 में टिकट काटने होते, काम किया होता तो शायद कोर्ट भी ये टिप्पणी नहीं करता कि कूड़े के बड़े बड़े कुतुब मीनार खड़े हो गए। तो ये दर्शाता है बजाय काम की पहचान के, पहचान क्या मिली एमसीडी को, मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, इसको बनाने वाले लोग कौन हैं, इनके भाजपा के अपने पार्षद जिनको लैंटरमैन के नाम से जाना जाता है, जो खुला पैसे उगाही के लिए स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जाते हैं, जिनके वीडियोस वायरल होते हैं, और ये काम केवल भाजपा नहीं, ये आम आदमी पार्टी के विधायकों का भी आप देख रहे हैं आजकल जो वीडियोज़ हैं, और तो एक तरफ MLA एक तरफ काउंसलर्स। अनिल जी ये तो आप लोगों ने जो काम किया वो गिनवा दिया आपने, 15 साल से बीजेपी काबिज है वो गिनवाती है अपने काम की, हमने ये किया ये नहीं किया। MCD अब आम आदमी पार्टी देखिए कि वो कहते हैं कि हम कूड़ा ख़त्म कर देंगे, हम शिक्षा और बढ़ाएंगे, और वो तो ये भी कह रहे हैं कि विधानसभा में हम हैं, अगर हम MCD में आ गए तो और स्मूथ काम होगा, लेकिन आप देखते ही हैं दिन रात LG के साथ उनके टकराव होते हैं, काम कहाँ कर पाएंगे ये लोग। 7 साल से यही तो चल रहा है, यही तो दिल्ली की राजनीति को फुटबॉल बनाया हुआ है, एक व्यक्ति दूसरे पाले में बॉल मारता है, दूसरा पार्टी उसके पाले में बॉल को फेंक देता है, यही चल रहा है झगड़ा। सवाल ये जो आपने कहा था अरविंद को दिल्ली की जिम्मेवारी दी थी शहर को सुंदर बनाने की, हुआ क्या, ये शहर प्रदूषण में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, नशे की राजधानी आपने बना दिया, कोविड फेलियर दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुआ, कब्रिस्तान हो शमशान घाट हो सबसे ज़्यादा मौत की केसेस वहाँ रजिस्टर्ड हुए, पहली बार हुआ कि संस्कार अंतिम संस्कार करने के लिए सिफारिशें लगानी पड़ी, ऑक्सीजन के लिए लोग तरसते रहे, आप बेड नहीं दिला पाए, आप मेडिसिन नहीं दिला पाए, काला बाजारी यहाँ पे हुई, और आप कहते हम दिल्ली बनाएंगे, दिल्ली में इतनी गंदगी है कि यहाँ आप सांस नहीं ले सकते, बड़ा मुश्किल है, बहुत बुरी स्थिति में दिल्ली वासियों का जीवन है। और मुझे मोदी जी का एक कैंपेन याद आ जाता है, और जिस मोदी जी के पोस्टर पे आज वोट मांग रही है बीजेपी, स्वच्छ भारत अभियान याद होगा आप, ये क्या कल्पना थी कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश को हम स्वच्छ करेंगे, ये तो देश की राजधानी, देश की कैपिटल है, और यहाँ इन्हीं के अपने पार्षदों ने खुद के इनके प्रधानमंत्री के इस नारे की, इस मिशन की हवा निकाल दी, इस मिशन को ख़त्म कर दिया, बदनाम कर दिया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाजपा क्या कर रही थी। सब जो भी पार्टियां इसमें उतरी हैं, बड़े बड़े नेता, पार्टी की बड़ी लीडरशिप जो है वो आकर प्रचार प्रसार करती है, कांग्रेस ने क्या रोड मैप तैयार किया है? देखिए मैम सवाल फिर वही उठता है, 15 साल तो बीजेपी के मेयर रहे, मेयर आए बताएं क्या उपलब्धि है, मेयर वोट मांगे, स्वाभाविक ही इन्होंने काम नहीं किया, लूट मचाइए, अब भाजपा को हार दिखाई दी तो पहले इन्होंने दलित और माइनॉरिटी विरोधी परिसीमन ले आए हार टालने के लिए, उससे पहले अपने टिकट काट चुके हैं अपने पार्षदों का, अब मोदी जी का फोटो ले आए हैं, मैं तो कहता हूँ आइए मोदी जी, मैं बैठता हूँ आपके सामने। दूसरी तरफ अरविंद की MCD में भी अरविंद केजरीवाल, 8 साल में अरविंद बताए ना दिल्ली की पहचान, दिल्ली के यमुना का क्या हुआ, बेरोजगारी का क्या हुआ, इस दिल्ली के प्रदूषण का क्या हुआ, इस पर जवाब दीजिए, आपको जो जिम्मेवारी दी है पहले उस पर तो जवाब दीजिए ना। अच्छा ठीक है, उनसे हमने जिम्मेदारी आपने जो स्टार कैंपेनर की बात की है, मैं ये इसलिए बात मैंने बताई है, हमारे XML पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व मेयर चुनाव भी लड़ रहे हैं और कैंपेन भी कर रहे हैं, मैं खुद सड़कों पर, कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर, क्योंकि हमने इस शहर को बनाया, यही मेरे स्टार कैंपेनर हैं, ये MCD का चुनाव है। यानी आप कह रहे हैं जिन्होंने काम नहीं किया उनको स्टार कैंपेनर्स की जरूरत पड़ रही है, उनको आज मोदी जी का चेहरे की जरूरत पड़ रही है। अरे मोदी जी की बात आप खुद नहीं मान रहे तो दिल्ली वाले कैसे मान ले, मोदी जी के स्वच्छ भारत अभियान का नारा भाजपा के नेताओं ने नहीं माना, ये है MCD भाजपा। कूड़ा देख लीजिए यहाँ सड़क पर, कूड़ा आप जहाँ जहाँ जाएंगे जगह जगह कूड़ा नजर आ रहा है, स्थिति है। सो भाजपा के खुद के प्रधानमंत्री की बात भाजपा के नेता नहीं मान रहे तो मोदी जी की बात दिल्ली वाले लोग क्यों मानेंगे, मान चुके ना, प्रधानमंत्री बना दिया ना 2 बार। हम आपको एक मौका देते हैं जनता से अपील करने का, रोजाना तो आप अपील करते ही हैं, लेकिन इस ऑटो में बैठकर जो दुर्दशा आपने देखी अपने इलाके की उसके बाद कुछ अपील करना चाहेंगे? बस मैं दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमने 3 साल में खासतौर से बहुत कुछ देखा, कोरोना काल देखा, दिल्ली के दंगे देखा, दिल्ली को प्रदूषण में लगातार मरते हुए दम घुटते हुए देखा, तो मेरी आपसे विनती है दिल्ली प्रदूषित दिल्ली बनी हुई है, ये आम आदमी पार्टी अरविंद की दिल्ली जो विश्व में नाम पहचान प्रदूषण का है उसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। MCD मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहिए, मलेरिया चिकनगुनिया जैसी बीमारियाँ फैल रही है वो कहिए, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मेरी चमकती का नारा दिया है,
मेरी चमकती दिल्ली शिलाजी वाली दिल्ली, ये हमारी सोच और मिशन है। मैं इसको पूरा करूंगा। दो बार मैं पार्षद रहा, एमएलए रहा, मेरे साथ शीर्ष नेतृत्व मार्गदर्शक के रूप में पूर्व मंत्री हैं, सांसद हैं, एक अनुभव है। उस अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ, एक ठोस सॉल्यूशन के साथ मैं आ रहा हूँ। दिल्ली में कांग्रेस आ रही है, आप उसमें सहयोग करिएगा, कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताइए, जिससे कि शिलाजी को हम आगे रख करके इस शहर को वापस, उस उपलब्धि को हम वापस लेकर के आए, पहचान बनाए, यही मेरी गुजारिश है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। तो देखिए, चुनाव है और चुनाव के दौरान नेता जी को पकड़ना मुश्किल होता है, लेकिन आज अनिल जी को हमने पकड़ा, अपने ऑटो में बिठाया और लोगों से भी रूबरू कराया। तो साफ तौर पर जिस इलाके में हम आप यहाँ पर शो कर रहे हैं, देखिए कि अभी भी ये जो ऑटो है ये निकल नहीं पा रही, क्या दुर्दशा हो रही है इस इलाके की। धक्का मारना पड़ रहा है ऑटो को, यही है सच, यही दिल्ली की गलियाँ हैं। झटका मार के अब देखते हैं एमसीडी इलेक्शंस में कौन सी पार्टी जो है वो जीत पाती है। और इस ऑटो रिपोर्टर शो में अगली बार हम फिर एक मेहमान के साथ आपके पास लौटेंगे, तब तक आप देखते रहिए जी मीडिया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।